हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक नए स्टाइल से मैगी बनाना। तो यहाँ पे मैंने पानी लिया है, उसे बॉईल करके थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है उसमें, और अभी मैं इसमें मैगी के ये केक्स मिलाऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 केक्स मिला लिए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से केक्स मिला लीजिए इसमें। और अभी इसे हम थोड़ा सा बॉईल करेंगे, यहाँ इसे हम 80% तक ही बॉईल करेंगे, याद रखिए, यानी कि 80% तक ही कुक करना है, पूरा इसे अच्छे से कुक नहीं करना है इस स्टेप पे। तो अभी एक्सेस वाटर ड्रेन कर लीजिए और इसमें कोल्ड वाटर चला दीजिए। और अभी देखिए यहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार वेजिटेबल्स ले लीजिए। और यहाँ मैंने थोड़ा सा गार्लिक और ग्रीन चिली भी लिए हैं। तो अभी पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे, और ऑयल हीट होने के बाद हम इसके अंदर ये चिलीज और गार्लिक जो है वो मिला देंगे। इसे थोड़ा सा सॉट करेंगे, अभी 30 सेकेंड्स तक सॉटे होने के बाद हम इसमें प्याज मिलाएंगे, और प्याज को 30-40 सेकेंड्स तक यहाँ पे कुक कीजिए। और उसके बाद इसमें बाकी वेजिटेबल्स मिलाएंगे। सो वेजिटेबल्स को 2 मिनट तक ही हमें यहाँ पे सॉटे करना है। याद रखिए ये चाउमीन स्टाइल मैगी है, तो बहुत ज़्यादा कुक मत कीजिएगा। और यहाँ हमने अभी एक मैगी मसाला का पैकेट डाला है, सभी अभी नहीं डाले हैं। सो दिस इज़ जस्ट फॉर द वेजिटेबल्स टू हैव द मसाला कोटिंग। एंड यहाँ थोड़ी सी मैंने अभी टमाटो केचप ऐड कर दी है। अभी इसमें मैगी मिक्स करेंगे। देखिए मैगी जो है हमारी एकदम अलग अलग है, अभी चिपकी नहीं है। और यहाँ पे बाकी का जो मसाले के 2 पैकेट्स थे वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं। इसमें डार्क सोया सॉस मिलाइएगा, याद रखिए सिर्फ डार्क सोया सॉस ही लीजिएगा, तभी कलर अच्छा आएगा। और अभी इसमें थोड़ा सा विनेगर डालेंगे, और इस स्टेप पे आप चाहे तो चिली सॉस भी मिला सकते हैं ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए। तो अभी इसे एक फोक की हेल्प से मिलाइएगा, करछी ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा, नहीं तो जो मैगी है वो चिपक जाएगी। और अभी सॉल्ट चेक करके इसमें सॉल्ट मिला लीजिए स्वाद अनुसार। याद रखिए बॉइलिंग के टाइम भी हमने सॉल्ट मिलाया था, सो उसी हिसाब से चेक करके सॉल्ट मिलाइएगा। और देखिए यहाँ पे ये यमी टेस्टी स्पाइसी मैगी रेडी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।